छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर स्थित धर्मावरम पुलिस कैंप पर करीब 400 नक्सलियों ने 16 जनवरी को करीब 1000 BGL बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दागे थे। पुलिस ने सर्चिंग के दौरान कैंप के पास से करीब 300 BGL के जिंदा सेल बरामद किया है। कैंप लूटने की नीयत से यह हमला किया गया था। जानकारी के मुताबिक हमले के बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। जवाबी कार्रवाई में कोबरा की 204वीं और CRPF की 151वीं बटालियन के जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया था, जिसकी पुष्टि खुद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर किया था। बताया जा रहा है कि धर्मावरम पुलिस कैंप के अंदर घुसने के लिए नक्सलियों ने जंगली घास से बने विशेष पोशाक पहना था। केबल कटर से कैंप की सुरक्षा के लिए घेरे गए तार को काट कर वे अंदर दाखिल होना चाहते थे। नक्सलियों ने इलाके में जगह जगह IED भी लगा रखा था। माओवादियों ने बड़ी संख्या में जवानों को मारने और घायल करने का भी दावा किया था।